हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और रिव्यू वाली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं IQ के Z9 फ़ोन के बारे में, ठीक है। तो जो कि एक 5G फ़ोन ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो क्या कुछ हमें इस फ़ोन में स्पेशल देखने को मिलने वाला है और क्या इसका पूरा क्लासिफिकेशन होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, अपन चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपने सारा कुछ बताया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये मैंने स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में यहाँ पे ओपन कर लिया है उसका लिंक। तो ये IQ का Z9 5G होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये 5G फ़ोन होने वाला है क्योंकि इसमें 5G प्रोसेसर है, Dimensity 7200। तो अच्छा खासा इसमें लमसम प्रोसेसर दे दिया है। तो ये ब्रश ग्रीन कलर में है, काफ़ी शानदार इसका कलर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको डिज़ाइन ही दिखाता हूँ इस फ़ोन का, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। तो बैक साइड से आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए, लुक देख लीजिए, काफ़ी शानदार है। IQ ने इसको बहुत अच्छे से मतलब बनाया, दिखा पे IQ की ब्रांडिंग भी हो रही है, IQ Z9 5G। तो काफ़ी शानदार इसमें डुअल कैमरा है, मतलब कैमरा तो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से दिए हैं इन्होंने, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। फ़ोन देखिए, साइड से आप देख पा रहे हो काफ़ी स्लिम लग रहा है, मतलब बहुत स्लिम फ़ोन है और मेरे ख्याल से लाइट वेट भी होगा। इसका वेट भी अपन चेक करेंगे कितना वेट इस फ़ोन का होने वाला है। तो मतलब डिज़ाइन के मामले तो फ़ोन मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो वेट होने वाली है 19,999 करके होने वाली है, तो 20,000 की रेंज में भाई बहुत अच्छा फ़ोन डिज़ाइन किया है। अब इसमें क्या क्या हमें और देखने को मिलने वाला है, सारे कुछ अपन बातें करेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐसी ऐड करी हैं इस फ़ोन में, जो इस फ़ोन का प्राइस मतलब 20,000 रखा हुआ है इन लोगों ने। तो अपन यहाँ साइड में देखते हैं, फास्टेस्ट इसमें भाई जो बोलते हैं ना फ्लैगशिप फ़ोन है ये, प्रोसेसर दिया है इसमें Dimensity 7200 करके। तो इनका एंतु स्कोर भी देख लीजिए भाई कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7,34,000 के आसपास, 734K करके इसका वो आ रहा है, कितना एंतु स्कोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। और मतलब अगर स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 से भी कंपेयर करेंगे आप, उससे ज़्यादा है। Dimensity 7 7050 से करेंगे तो उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका एंतु स्कोर है। तो मतलब भाई फ्लैगशिप फ़ोन है ये, काफ़ी अच्छी आपको इसमें भाई स्पीड यहाँ पे मिलने वाली है, गेमिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब बहुत शानदार चीज़ इन्हें यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे इसमें और चीज़ की अगर बात करूँ तो भाई कैमरे जो इसके होने वाले हैं वह सोनी के कैमरे हैं, सोनी IMX 882 करके भाई इसका कैमरा है। 4K रिकॉर्डिंग इसमें हो जाएगी विद OIS के साथ, 2x पोर्ट्रेट जूम भी इसमें दिया हुआ है और इसमें सुपर नाइट मोड दिया हुआ है और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल UHD करके दिया है। तो Ultra HD करके भाई हम यहाँ पे इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, Ultra HD मोड भी यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैमरा है, यहाँ पे सेकंड वाला नीचे का जो है वो है 50 मेगापिक्सल का IMX 882 OIS सेंसर के साथ है। तो बहुत अच्छा कैमरा यहाँ पे दिया है और भाई कैमरे का मतलब इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, लुक में दिया है कि फ़ोन बैक साइड से देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। और इसमें हमें क्या ऐसा मिलने वाला है देखने को, वो भी देख लेते हैं अपन। तो भाई इसमें एक और चीज़ है, दिया है सेगमेंट ब्राइटनेस एमल्ड है, तो 1800 nits करके इसमें भाई पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी इसमें। अब मैं जिस वेरियंट की बात कर रहा हूँ उसमें 8GB रैम है और आप 8GB वर्चुअल रैम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वर्चुअल रैम में 16GB रैम आपकी हो जाएगी, ठीक है। वर्चुअल रैम को अगर आप ऐड कर लें तो इस फ़ोन में 16GB रैम आपको मिलेगी। तो 8GB रैम इसमें इनबिल्ट आ रही है और 8GB वर्चुअल रैम आ रही है जो कि आपको इनेबल करना होगी। तो बढ़िया है, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी ऐड इन्होंने कर दी, आजकल हर फ़ोन में आ रही है। और इसमें देखिए भाई 5000 mAh की लार्ज बैटरी दी है, तो काफ़ी बड़ी बैटरी दी है और उसके लिए एक फ्लैश चार्जर भी दिया है 44W का। तो 44W का लोगों ने फास्ट चार्जर यहाँ पे दे दिया यहाँ पे हमें। तो बड़ी बैटरी है 5000 mAh की और एक बड़ा चार्जर है 44W का। अब इसी में देखिए डुअल स्पीकर दिए हुए हैं हमें, डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए हैं यहाँ पे। अब कहाँ कहाँ पे प्लांट लगे हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड स्पीकर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नीचे की बॉटम में है, एक ऊपर साइड है। तो 2 स्पीकर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इस फ़ोन को डिज़ाइन किया है IQ वालों ने। और यहाँ पे जो OS हमें मिलने वाला है वो 14 मिलने वाला है, फ्रंट टच OS मिलने वाला है पावर्ड बाय एंड्रॉयड 14। तो 14 OS यहाँ पे हमें मिलेगा इसमें देखने को। तो ये दो चीज़ें और काफ़ी बढ़िया इसमें मतलब फ़ोन में यहाँ पे इन लोगों ने ऐड कर दी हैं। और अब मैं यहाँ बात करता हूँ थोड़ी सी कि और क्या क्या इस फ़ोन में ऐसा देखने को मिलने वाला है हमें।
44 वाट का फास्ट चार्जर है, इसकी बात मैं कर चुका हूँ। 19,999 रुपये का ये पड़ रहा है, तो करीब करीब 20,000 रुपये का ये फ़ोन है। 1 ईयर की इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी यहाँ देखने को मिल रही है। और हम थोड़ा देखते हैं कि नीचे कुछ चीज़ें एडवर्टाइज अगर की हों तो, यहाँ पे देखिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ने भाई काफ़ी अच्छी तरीके से कैमरे को एडवर्टाइज किया है, यहाँ पे दिख भी रहा है ना। और अगर मैं इसमें देखूँ तो फुल लोडेड प्रोसेसर है इसमें, प्रोसेसर की बात मैं कर चुका हूँ, काफ़ी धांसू प्रोसेसर दिया है भाई, काफ़ी बड़ा मतलब इसमें, जो कि स्नैपड्रैगन 7S प्रोसेसर है जेन 2, उससे भी ज़्यादा है, मतलब इसमें इसका एंटीटू स्कोर आ रहा है उसका, देखिए जो इसमें है उसका आ रहा है 7,34,000, 7,84,000 का उसका 6,05,000 आ रहा है, और इससे नीचे जो डायमेंसिटी 7050 है उसका 5,80,000 के आसपास आ रहा है। तो भाई एंटीटू स्कोर भी बहुत ज़्यादा है इसका, तो स्पीड आपको सही में अल्टीमेट स्पीड यहाँ पे इस फ़ोन में मिलेगी अगर आप इस फ़ोन को यूज करेंगे तो। और इसका जो फुली लोडेड कैमरा भी है, कैमरे की बात मैं कर चुका हूँ, बहुत अच्छा कैमरा है, आईमैक्स का कैमरा है 882 OIS। और यहाँ पे इसमें फुल लोडेड डिस्प्ले भी है, डिस्प्ले की बात भी कर चुका हूँ, सेगमेंट ब्राइटनेस डायमंड डिस्प्ले आ रही है इसमें, मतलब आपको पीक ब्राइटनेस इसमें मिल जाएगी 1800 nits तक। और यहाँ पे इसमें इन लोगों ने सपोर्ट के लिए भी कुछ चीज़ दी है, ये चीज़ अपने काम की नहीं है वैसे। अब मैं थोड़ा सा आप बात कर रहा था वो वेट इस फ़ोन का कितना होने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे इस फ़ोन का वेट भी मतलब दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ कि इतना वेट इस फ़ोन का होगा। तो मेरे ख्याल से वेट इस फ़ोन का नीचे मेंशन होगा, कहाँ मेंशन है ये देखिए। तो आइटम का वेट जो होने वाला है वो है 188 ग्राम, तो बहुत लाइट वेट है यार फ़ोन। अब हाथ में रखेंगे इस फ़ोन को तो फील भी नहीं होगा कि आप इस फ़ोन को चला रहे हैं, या फिर महसूस नहीं होगा, काफ़ी लाइट वेट है ये फ़ोन। और रेटिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छी इस फ़ोन की रेटिंग है, एक डिसेंट नंबर ऑफ रेटिंग है, 5 में से 4 स्टार इस फ़ोन को मिले हैं, मतलब 5 स्टार दिए हैं 52% लोगों ने, और 4 स्टार दिए हैं 26% लोगों ने, तो बहुत अच्छी रेटिंग है इस फ़ोन की। रेटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया लोगों ने, जिनको पसंद आया उन्होंने बहुत अच्छी रेटिंग इस फ़ोन को दी है। बाकी जो और अदर फीचर होते हैं वाईफाई वाले सारे, वो मतलब जो आजकल कॉमन फ़ोन में आते हैं, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी सबको ही मिल रही है, तो इस फ़ोन में भी आपको वो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो फ़ोन बहुत शानदार होने वाला है, कंपैरिजन भी इन लोगों ने किया है 2-3 फ़ोनों का, बट मैं सिर्फ बात कर रहा था यहाँ पे IQ के Z9 5G की, और जो कि जिसके 2 कलर अवेलेबल हैं, कलर एक ही है, हाँ 2 कलर हैं। जिस कलर की मैंने बात करी वो था ब्रश्ड ग्रीन करके था, और इसमें ग्रेफेन ब्लू कलर भी है, जो कि देखिए ग्रेफेन ब्लू पे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये कलर भी है, ये कलर भी काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में। दोनों कलर इस फ़ोन के मतलब काफ़ी शानदार हैं, तो जो फ़ोन आपको पसंद आया वो फ़ोन यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने फ़ोन के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया है, तो मेरी वीडियो आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भाई खासकर उस बंदे को जरूर शेयर कर दीजिए जिसको अभी फ़ोन लेना है, फ़ोन के लिए जो रिसर्च कर रहा है, आई थिंक उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो ये वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, अपन मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।